आज है 25 सितंबर 2018 और मैं सिर्फ फर्स्ट का एनालिसिस करूंगा। जो भी क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर जीएस एंड साइंस के, तो साइंस के मेरे पास कम क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, जितने भी हैं बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे कैसे एग्जाम में आए तो मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथ का एनालिसिस दूंगा और रीजनिंग का, जो भी क्वेश्चन आए थे उनका विथ सॉल्यूशन तो मैं वो आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि यूपी की शुभांगी स्वरूप किस देश की सेना से है, तो इंडियन नेवी से है, जो कि पहली महिला पायलट है इंडियन नेवी में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए आया और करंट का है। थियोसिफल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1875 में, और जो जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो महिला, तो महिला का नाम था ब्लावेत्स्की और जो पुरुष थे उनका नाम था ऑलकट। और अगर भारत में कहें इसका श्रेय किसको जाता है, तो एनी बेसेंट को जाता है, थियोसिफल सोसाइटी का। मॉन्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, तो 1919 में। कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन है ये, थियोसिफल सोसाइटी, मॉन्टेंग चेम्सफोर्ड सुधार और जादू टोना कौन से विद से, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए। पारा का प्रमुख अयस्क, ये साइंस का क्वेश्चन है, पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, तो सिनेबार है। नीति में आई का जो फॉर्म है, फुल फॉर्म कहते हैं, जैसे नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो जो आई है आई किसको डिनोट करता है, तो यहाँ पे आई इंस्टीट्यूशन को डिनोट करता है, तो ये चीज़ बतानी थी आई किस लिए है, और अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होता तो इंडिया था, लेकिन ऑप्शन मुझको पता नहीं, सिर्फ यही है शायद आई इंस्टीट्यूशन के लिए कहा गया था, और आई से तो इंडिया सभी जानते हैं, नीति में आई का फॉर्म इंडिया है, तो बस इंस्टीट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका था, तो ये था बाल गंगाधर तिलक का। तो कुछ कथन वगैरह आ रहे हैं। पीएम ऑफ जॉर्डन, पीएम ऑफ जॉर्डन कौन है, ओमार रज्जाज, ओमार रज, ये कह सकते हैं पीएम ऑफ जॉर्डन कौन है, ओमार रज, तो पीएम वगैरह पढ़ लेना। सीएम ऑफ हरियाणा, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है, मनोहर लाल खट्टर, तो ये तो आ ही रहे हैं चीफ मिनिस्टर और गवर्नर वगैरह वगैरह। यंगेस्ट गोलकीपर इन हॉकी, तो ये कौन है, सरदार सिंह, और जो 19 साल और 10 महीने और 2 दिन के थे तो उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की, यंगेस्ट प्ले गोलकीपर इन हॉकी में, और 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2012 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए, सूरत में कौन सी नदी निकलती है, तो सूरत में जो नदी निकलती है ताप्ती नदी, और ये गुजरात में है सूरत। कंचनजंगा बायोस्फीयर किस राज्य में है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, कंचनजंगा था कि काजीरंगा, तो मैंने दोनों ही बता दिए, कंचनजंगा जो बायोस्फीयर है वो सिक्किम राज्य में है। और महानदी कहाँ पर है, महानदी उड़ीसा से निकलती है, तो महानदी का उड़ीसा। 2011 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया था, तो वह थे सचिन तेंदुलकर। और काजीरंगा नेशनल पार्क, तो वही मैंने कहा ना कि या तो कंचनजंगा था या काजीरंगा बायोस्फीयर, तो इसमें थोड़ा सा डाउट था, तो जो कंचनजंगा बायोस्फीयर है वो सिक्किम में है और काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम में है। SBI के चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार। हॉकी टीम के कोच जो है वो कौन है, हरेंद्र सिंह। एंड CEO ऐप, जो CEO है पेटीएम के CEO कौन है, विजय शंकर शर्मा। नोबल प्राइज कब से शुरू हुआ था, तो 1901 से। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, एंड वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को, इसमें थोड़ा सा डाउट है, या तो हेल्थ आया था या हार्ट आया था, तो ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो मैंने इसलिए दोनों ही बता दिए, हेल्थ, अगर हेल्थ डे है तो 7 अप्रैल को और हार्ट डे है तो 29 सितंबर को, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। जादू टोना किस वेद से संबंधित है, तो ये है अथर्वेद से। ODI वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 डबल सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो रोहित शर्मा है वो। और ड्रीम इलेवन के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। IPL 11 में जो 2018 में हुआ था, सबसे ज़्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए, तो वो थे ऋषभ पंत, जिन्होंने 37 छक्के लगाए थे, तो शायद यही था कि 2000 IPL 11 का ही क्वेश्चन आया था, कि वो जो IPL 11 है वो अभी का ही है 2018 का। अच्छा, लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है, तो वो है टाइलिन पाया जाता है लार में। गले में कौन सा हारमोन्स निकलता है, तो कहेंगे थायरॉयड निकलता है। और भी क्वेश्चन आए थे जैसे कि बहुत सारे हैं, साइंस में आवर सारणी से क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ मात्रक पूछे गए थे, ये सब याद कर लेना। फॉर्मूले भी पूछे गए थे जैसे कि, और विक्टन का फॉर्मूला नॉर्मल, ये सब क्वेश्चंस थे, तो आप याद कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं मैथ की वीडियो थोड़ी देर बाद दूंगा आपको। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।